नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं या औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की उम्र पार कर चुके हैं उनकी निरक्षरता उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2022 से 2027 तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिशन मोड का उल्लास साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसी साथ के साथ आज 22 सितंबर 2024 दिन रविवार को मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की गई। शासकीय माध्यमिक शाला जराह मोहगांव के सामाजिक चेतना केंद्र में 35 महिला निरक्षर शामिल हुए एवं शासकीय प्राथमिक कन्याशाला जराह मोहगांव में सामाजिक चेतना केंद्र के में 10 पुरुष 15 महिलाओं ने शामिल होकर परीक्षा दी। उक्त दोनों सामाजिक चेतना केंद्र में कुल 60 परीक्षार्थी उक्त परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा केंद्र अध्यक्ष संकुल प्राचार्य यू एस परते, उपकेंद्र अध्यक्ष जे एन मडावी, पर्यवेक्षक आर के गुडाने, जगदीश शरणागत, प्रधान पाठक अंगद उके, वंदना मेश्राम, गंगा बिशेन, अरुणा शेख, अक्षर साथी, छवि कुमार मरठे, रविकांत पाठक, महेश्वरी पंचेश्वर ने साक्षरता उन्मूलन की परीक्षा शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न कराई। इस दौरान सरपंच योगेश डोंगरे, सचिव भोजराज पोरगड़े, उप सरपंच चंद्र प्रकाश सबू डहरवाल, जनपद सदस्य प्रतिनिधि शारदा डहरवाल ने भी मूल्यांकन परीक्षा में शामिल होने के लिए नवाक्षरों को प्रोत्साहित करते हुए दिखाई दिए।